खबर बांदा जनपद से, जहां आबकारी प्रशासन और राजस्व की टीम ने शराब के ठिकानों पर छापा मार कर नवरंग कच्ची शराब बरामद की है। वहीं इस छापेमारी के दौरान स्वयं बांदा चित्रकूट मंडल के आईजी व कमिश्नर मौजूद रहे। पूरा मामला बांदा के कनवारा स्थित केन नदी के किनारे का है, जहां पर आबकारी विभाग, पुलिस बल की टीम एवं राजस्व विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने वाली जगह पर छापेमारी की है, जहां पर शराब माफिया बालों में छिपाकर अवैध शराब रखे हुए थे। यहां से करीब 8 ड्रम शराब बरामद हुई। मौके पर आईजी के सत्यनारायण व कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह भी पहुंचे और कहा कि होली के त्योहार व पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बांदा के कनवारा स्थित केन नदी में आबकारी पुलिस एवं राजस्व की टीम के साथ अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें भारी संख्या पर शराब और लहन बरामद किया गया। मौके पर ही लहन को नष्ट कर दिया गया है, आरोपी वहां से फरार है और अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर सीधे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। यह अभियान लगातार चलता रहेगा और जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती और तेजी की जाएगी। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है अवैध शराब को लेकर? ये अवैध शराब का जो बनने का दो प्रकार की है, एक तो कच्ची शराब जो बनाते हैं गाँवों में वो वाला, दूसरा जो है एक जो सरकारी ठेके का जो दुकान है, उन दुकानों का माध्यम से उसका आड़ में ये लोग कुछ नकली शराब भी बना रहे हैं कुछ दुकानदार। तो उस तरीके से जैसा मस्ती ब्रांड है और कई जो ब्रांड का जो सरकारी शराब की जो ठेके का दुकानें हैं उसमें जो ब्रांड का जो चलता है वही ब्रांड जो है नकली भी बना रहे हैं। उस नकली बनाने से उसमें क्या है, वो मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा मिलाने की वजह से लोगों का जान चली जा रहे हैं और जहाँ इस तरीके से जहरीली शराब पी के जो लोग मृत्यु होते हैं उसमें हम हत्या के मुकदमा पंजीकृत करेंगे और उनको 302 की धारा में उसको जेल भेजेंगे। तो इस प्रकार के, क्योंकि ये लोग जानते हुए भी लोगों का जान इसमें चली जाएगी, जानते हुए भी इस प्रकार की शराब बना के सप्लाई करना एक हत्या से भी जघन्य अपराध है। तो इसमें गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं और जो अन्य धाराओं में भी कार्रवाई करेंगे और रासका वगैरह भी लगाएंगे। तो इस प्रकार की जो हमारा पुलिस टीम और आबकारी विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम सभी मिलके जो संयुक्त रूप से जो है जो नदी के किनारे पर जहाँ जहाँ ये कच्ची शराब बनती है इन जगहों पर दबिश दे रहे हैं। आज यहाँ हम लोग भी, हम और कमिश्नर सर आए थे, यहाँ 8 ड्रम, बड़ी बड़ी ड्रम का जो कच्ची शराब बरामद हुई उसको नष्ट किया जा रहा है। तो अभी हम लोग नदी के किनारे भी जा रहे हैं, अब गांव में भी जाके दो गांवों में हम और कमिश्नर साहब जाके उसका लोगों को जागरूक भी करेंगे। मिथाइल अल्कोहल किस तरह खतरनाक हो, ये किस प्रकार का पदार्थ? इसके लिए ये जो है एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये शराब का बनाने में एथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, मगर एथाइल और मिथाइल के बीच में देखने में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, इसलिए कई बार जो है एथाइल की जगह पर मिथाइल मिला देते हैं। मिथाइल जो है वो प्राणघातक है, तुरंत जो है जैसे मिथाइल अल्कोहल शरीर में गई तुरंत आदमी की जान चली जाएगी, जबकि एथाइल अल्कोहल इतना प्राणघातक नहीं है, वो नशा देती है, मगर ये मिथाइल अल्कोहल पकड़ी गई है, ये कहाँ इलाका है? देखिए ये जो इलाका है इसमें आज हमारे पुलिस के, प्रशासन के और आबकारी विभाग के सब अधिकारियों ने जगह जगह गांव-गांव जा करके इस तरह की जहां गतिविधियां होती हैं वहां पर तलाशी ले रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं और जो चिन्हित पहले से शराब का लगे उन लोगों को भी टाइट किया जा रहा है और हम लोग हर हाल में गांव-गांव जा करके सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की अवैध शराब कहीं ना बने और कहीं बन रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो आज ये आप देख रहे हो यहाँ पर लहन पकड़ा गया है तो ये किसका लहन है ये भी हम पता करेंगे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर किस प्रकार की रणनीति तैयार की गई? रणनीति ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हमारे सारे रेवेन्यू के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी हर एक गाँव में जो चिन्हित हैं शराब अवैध बनाने के लिए उन गांव में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किसी दशा में हम अवैध शराब न बनने देंगे और न बिकने देंगे और जो इस कार्य में लिप्त होगा उसके खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, तमाम धाराओं में हम कार्रवाई करेंगे। अब उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे इस तरह का अवैध काम करने वाले।